हेलो एवरीवन, माय सेल सेल्फ पंक्ति दवे फ्रॉम मासापुरा विद्या संकुल टुडे वी आर गोइंग टू चैप्टर नंबर कंटिन्यू पार्ट थ्री पेज नंबर वन जीरो एट एक्सरसाइज नंबर फाइव चित्र आधारित शब्दों की सूची बनाइए यानी कि हमें पूरा लिस्ट बनाना है जो जो चित्र में आपको वर्ड्स क्या क्या बनते हैं और क्या बनाए जा सकते हैं उसके बारे में सीखना है सो फर्स्ट पिक्चर्स उसमें आदमी गद्दा डंडा रास्ता चार वर्ड्स बनेंगे उस तरह से हम लोग पूरे के पूरे पिक्चर्स नाइन पिक्चर्स में टोटल कितनी शब्द सूची बन सकती है उसके बारे में सीखेंगे लेट अस स्टार्ट चित्र आधारित शब्दों की सूची आदमी गद्दा डंडा रास्ता शेर पेड़ चाय वाला कपर काबी सुअर माला पहाड़ियाँ, विक्रम बैताल तलवार बंदर सितार सांप, वजीर वजन और दस किलोग्राम आप लोग देख रहे होंगे कि वजन का जो है ना वो माप भी लिखा हुआ है कितने किलोग्राम का है तो वजन में दो शब्द सूची बनेंगे पहला खुद वजन और दूसरा उसके ऊपर जो छाप लगी है टेन किलो यानी कि दस किलोग्राम अब जा रहे हैं लिखो क्या बातें कर रहे होंगे ये आपस में तो आपके पास चार सेंटेंस अवेलेबल है गधा आदमी से चाय वाला शेर से सुअर आपस में और विक्रम बेताल से तो किस तरह से कौन किसके साथ कम्युनिकेशन करता है वह देखते हैं गधा आदमी से गधा आदमी से कह रहा होगा मुझे कहाँ तक ले जाना है मेरा बोझ कब उतारोगे मैं थक गया हूं। मुझे भूख और प्यास लगी है उसी तरह से सेकंड बनेगा चाय वाला शेर से कहता है चाय वाला शेर से कह रहा होगा लीजिए जनाब मैं आपके लिए चाय बना कर लाया हूँ पूरे दूध की चाय है बहुत ही अच्छी बनी है आपकी थकान भी दूर हो जाएगी। जाएगीअर आपस में सुअर आपस में कह रहे होंगे हम कई दिनों तक कीचड़ में रहे हैं गंदगी बहुत खाई है अब हम अपनी जीने की राह बदल देंगे हमारे हाथों में मालाएं हैं। राम नाम का जप करेंगे और गंगी से दूर रहेंगे लास्ट सेंटेंस विक्रम वेताल से क्या कहता है विक्रम वेताल से कह रहा होगा मैंने तेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया है जब, अब बता तू, यहाँ क्यों रहता है बहुत सारे बच्चों ने विक्रम और वेताल यानी कि पंचतंत्र में भी इस तरह की बहुत अच्छी अच्छी कहानिया देखने को और सुनने को मिलती है बहुत सारे बच्चों से मेरा निवेदन है कि आप भी लॉकडाउन के समय में टाइम का समय का सदुपयोग करके पंचतंत्र जैसी हितोपदेश जैसी अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़े और उसका जो मोरल है वह हम हमारी लाइफ में जरूर से उतारे तो इस तरह से आज हम लोगों ने पेज नंबर वन जीरो एट उसमें से चित्र आधारित शब्दों की सूची किस तरह से बनाई जाती है वह देखा और आपस में दोनों के साथ किस तरह से कॉम्युनिकेशन होता है वह भी देखे तो आज का जो ये पूरो पूरा वीडियो है वो आपको आपके क्लास वर्क कॉपी में पूरा उसका वर्क इसके रिलेटेड खत्म करना है पहले शब्दों की सूची बनाओगे फिर लिखो क्या बातें कर रहे होंगे आपस में वह भी आपको आपके हिसाब से या वीडियो को देखकर प्रॉपर वे पे करना है नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग वापस मिलेंगे तब तक सबको गुड बाय टेक सेल्फ